अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, ये मैं आज अंडे आलू का सालन बना रही हूँ। अंडे आलू, पहले तो मैं अंडे छील लूं। बर्तन निकाल लेंगे जरा। ये देखिए अंडे हैं, ये उबाले हुए मैंने, ठीक है। इसको जरा छील लूं, इसके बाद में इसको फ्राई करूंगी और पकाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है, सालन वालन बनाने की। इस दौरान आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठंडा नहीं हुआ अभी तक अंडा, शेयर करें, व्यूज करें। गरम हो रहे हैं अंडे, असल में अभी चूल्हा बनकर आया ना मेरे अंडे। अंडे भी बहुत महंगे हो गए, 26 रुपए का एक अंडा मिला है मुझे, 26 रुपए का एक अंडा। अंडे मैंने कहा ठंडे हो गए होंगे, इसलिए मैंने कहा चलो बनानी शुरू करती हूँ वीडियो। थोड़े से गर्म होंगे अंडे जरा, ये देखिए वाले अंडे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, ये मैं देखी, मैंने अंडे छील लिए हैं, अब मैं आपको अंडे आलू का सालन बता रही हूँ। ये अंडे छील लिए मेरे, तो जाहिर है 3 अफराधी 6 अंडे करे हैं मैंने, 6 अंडे हैं, बाकी का ये आलू आलू काटनी है, टमाटर वगैरह करना, कुछ चीजें पीसनी भी है, तो जरा कर रही हूँ मैं शुरुआत। थोड़ा सा घी हो जाए फ्राई, फ्राई का ढक्कन एक ऑयल गरम हो जाए, तब तक मैं आलू काट रही हूँ। ये देखिए मेरे अभी 6 अंडों के लिए ये आलू लिए, 3 आलू हैं, ये काट रही हूँ मैं। मच्छर भी हो गए, पता नहीं पैरों में काट लेते हैं क्या है। ये देखिए थोड़े हो गए आलू, और एक और शायद काटूं। कुछ आलू सही निकलते भी नहीं है, अंदर मीठे भी निकलते हैं, आपको पता है ना मीठों का सिलसिला भी है आलुओं का, आलू कुछ मीठे भी आ रहे हैं, और लोग जो है ना अब यहाँ फ्रॉक तो वैसे ही है, मिला के मिक्स करके मीठा भी बेचते हैं, नमकीन आलुओं में मिला लेंगे, उसी में मिला मिला के मीठा हर तरह का, मतलब मिक्स करके मिलावट करके काम हो रहा है यहाँ तो। एक और आलू लिया मैंने, ये खराब निकला है आलू, अभी देखा है मैंने अंदर से ना दखीला वो निकला है। अब आलू अब खाने में कैसे निकलेगा ये अब अल्लाह ही जानता है, अभी तो कर लिया ये मैंने, टेस्ट में कैसा निकलता है। नमक डाल देती हूँ वैसे तो मैं, देखते हैं क्या रहता है। कचरा दिखा एक में कर रही हूँ, अभी वो Thank you.
ये हो गया है। अब मैं डाल रही इसमें ऑयल, पहले अंडे फ्राई करके निकालूंगी, ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए ऑयल डाल दिया मैंने, ये अंडे पहले फ्राई करके निकाल लूँ, अंडे भी फ्राई होते हैं ना जाहिर है, अभी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना अंडे, तो टेस्ट अच्छा आता है अंडे आलू का। अच्छा ये अभी थोड़ा सा तेल गरम हो जाए, भाई मच्छरों ने काट लिया बेरों में, खुजली बहुत हो रही है। कोई भी चीज काट लेती ना मुझे तो हो जाती है एलर्जिक। ये देखिए अंडा फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए एक एक करके कर रहे हैं, दो की गुंजाइश तो आराम से दो डाल के कर सकते हैं। मेरी तो तकलीफ ही वही है कि मैं दो तीन आराम से डाल के फ्राई कर सकती हूँ अंडों को। सही है ना, ये हो रहा है, ये फ्राई अंडा हो रहा है, और यहाँ पे मैं प्याज भी कर लूँगी, और उसके बाद मशीन भी निकलेगी। थोड़ा सा चॉपर में सामान पीसना है ना, ये प्याज फ्राई करके ना, थोड़ी सी प्याज फ्राई करेगी पीसनी है मुझे। अंडा फ्राई हो गया, हो रहा है, तो हल्का हल्का फ्राई कर रहा है, पिंक आ जाए थोड़ा सा कलर ना। ये देखिए पिंक आ गया ये कलर। एक अंडा थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन हल्का सा फ्राई कर लूंगी इसलिए मैं, थोड़ा सा ये भी फ्राई हो रहा है। फ्राई हो गए अंडे, ये भी फ्राई हो गए, दूसरा भी फ्राई हो गया है, और ये फ्राई हो गया। अब प्याज करके हल्के पिंक करके निकालूंगी, इसको पीसना है फिर मुझे। ये देखिए ये प्याज ली भी, एक घंटी काफी है मेरे हिसाब से, तो एक घंटी काफी है। अब ज्यादा आपको थिक रखना है ना, तो मैं खाली शायद काटूं क्योंकि इसका छिलका खराब है, कम हो गई प्याज, तो इसको मैं करती हूँ थोड़ी सी, एक और लेती हूँ। चलो चाहिए प्याज, थोड़ी सी प्याज जो है ना ठंडी करूंगी, प्याज ठंडा करके ना उसको फिर पीसना है। ये देखिए मैंने तीन चार लौंगे लिए, ये मैं बताऊंगी अभी क्या करना है इसका। ज्यादातर असल में दिखाने की वजह से कैमरा रखा हुआ मैंने इस तरह, क्या आप लोगों को दिखाई जाए, दिखा दी जाए। थोड़ी सी पिंक हो रही है, पिंक हो गई है, बस फ्राई के लिए निकाल रही हूँ इसे, फ्राई करके इसे ये निकाल लिया, थोड़ा ठंडा कर लूंगी। ये देखे ये निकाल रही प्याज, थोड़ी प्याज ये निकाल रही हूँ, इसे पीसना है, बाकी का मसाला भी भूनती हूँ मैं अभी। ये देखे
ये हो गई है प्याज निकाली है, इसे पीसूंगी मैं। अब ये जो है ना, ये तीन चार लौंगे लिए, इसको उसमें डाल दें, हल्की सी खुशबू आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये मसाला पीस रही हूँ मैं, और बाकी और मसाले बताती हूँ आपको मैं। चॉपर निकाल दिया ये देखे मैंने पीसने के लिए, ये देखो ये हो गया मेरा लौंग हो गई है। अब इसमें थोड़ा मसाला डाल लेंगे, ये देखना इसका धनिया एक चमचा डाल लें, और बाकी फिर आपको अपने लहसुन अदरक ले, वो भूल गए, लहसुन अदरक डालना है वो मैंने डाल दिया, लेकिन वो भी भूल गई हूँ मैं उसको भी। अभी आई हूँ बाहर से भाई, क्या करूँ, लहसुन अदरक रह गए ना, डालना भूल गई। ये देखिए लहसुन अदरक है, अब ये लहसुन अदरक डाल रहे हैं, बाद में भी डाल देंगे, मसला नहीं है, भूनना तो है इसको, वैसे भी भुनेगा ये मसाला। ये लहसुन अदरक डाल दिए मैंने, सही है, ये देखें ये लहसुन अदरक भून रहा है साथ में। अब ये प्याज और टमाटर मैं इसमें काट रही हूँ, इसमें टमाटर काटूंगी छोटा सा, एक टमाटर काटेंगे, ये देखेंगे टमाटर छोटा वाला काट लेंगे, ज्यादा नहीं, इसी में काट दे साथ पिस जाएगा। अभी आ रही है खुशबू लहसुन अदरक की, ये देखिए किसी में डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ा ये हो गई किसी मिर्च डाल देंगे आधी चमची है, और हल्दी है छोटी मिर्च डाल दी है, मैं डाल लीजिए मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिर्च बहुत हो जाती है बाजार का, ये भी बहुत है। नमक आप आखिर में डाल दिए, मतलब जितना शोरबा करें ना उतना नमक आप डाल लें, अपने अपराध के हिसाब से काम कर लें। ठीक है, अब ये मैं अपना मिक्सर पीस रही हूँ, ये पीस रही हूँ मैं अपना, ये देखिए ये हो रहा है, ये भी ये मिक्सर पीस रही हूँ। आलू आप वो हरा धनिया और हरी मिर्च, आलू गल जाए ना तब डालिएगा। ये देखिए मिक्सचर डाल दिए जो पीसा था मैंने, देखिए ये देखो हो गया। अब मसाला जो टमाटर वगैरह प्याज डाली ना उसको भूनना है, तो भूनूंगी।
पानी वानी डल जाएगा, थोड़ा जितना शोरबा रखा है। हरी मिर्च आप साथ डालना चाहें तो डाल दीजिएगा ऐसे। ये देखिए ये भून रहा है सारा। ऑयल छोड़ दे, थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ दे। मैं डाल रही हूँ जरा, आप चाहे बाद में डाल लें, इसलिए डाल रही हूँ जरा और भी काम करने तो नहीं याद देता मुझे जरा। तो वो मिर्ची आपसे में डालनी है क्या, ये हरी मिर्च डाल देंगे। भून रहा है मसाला, ऑयल छोड़ा ये लेकिन बीच में से काट के मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। ये देखिए ये भून गया, ऑयल छोड़ दिया काफी, ज्यादातर ऑयल हो गया है, आ गया है ऊपर। अब मैं इसमें सबसे पहले जो डालूंगी ना आलू डालूंगी, अंडे ऊपर ही रखने हैं, आलू डालूंगी। ये देखिए आलू, जो आलू काटे थे ना वो डालू। ये सब पूरे नहीं डाल रही मैं, थोड़े डालूंगी सही है ना, ज्यादा पूरे नहीं डाल रही। तो आलू ज्यादा है जरा इसलिए पूरे नहीं डालेंगे, बड़ा था ना एक आलू वो काट दिया मैंने तो वो ज्यादा हो गए। अब इसमें नमक डाल के रख दूंगी आलूओं में, फ्रीजर में रख दूंगी, फ्रिज में बल के फ्रीजर के लिए। ये हो गया देखिए, तो पानी डाल दिया थोड़ा सा, जितना आपको रखना है पानी उस हिसाब से डाल ले ठीक है। आइए मैंने अंडे डाल दिए, ये देखिए अंडे एक ही करके ऊपर से ऊपर डाल रख दें, इसको फ्राई हुए में ये अंडे, अच्छा याद रखिएगा ये अंडे फ्राई हैं सही है।
अच्छा ये देखिए थोड़ा सा उबाल आ जाए ना इसका, तो फिर मैं इसे ढक देती हूँ। नमक भी डालूंगी अभी मैं थोड़ी देर में, नमक डाल देंगे थोड़ा सा, पानी और डाल दूँ, थोड़ा सा कम लग रहा है पानी। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए मैं, ये देखो अब हरा धनिया ना लास्ट में डाल दिएगा, हरा धनिया के साथ अगर आप चाहें अदरक बारीक काट के डाल दें, लेकिन मैं सिर्फ हरा धनिया डालूंगी। ये हो रहा है, ये तकरीबन मुकम्मल है, अभी सिर्फ गलने का इंतजार करना आलू के, और हरा धनिया डाल के आप अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और प्यारे व्यूअर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूज करें, बाकी दुआओं में याद रखिएगा हम सबको। अल्लाह हाफिज। ये कंप्लीट है।